दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में भगत सिंह को आतंकी बताने का मामला, एचआरडी मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटी से मांगी रिपोर्ट, संसद में जीडी ने उठाया मुद्दा। हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी में हुआ विलय, 9 साल बाद कुलदीप बिश्नोई की हुई घर वापसी। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री के लिए भूमाता ब्रिगेड का आंदोलन, आज दरगाह के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, विरोध में कई मुस्लिम संगठन। सीबीआई के शिकंजे में रेलवे की साइट हैक करने वाला आरोपी यूपी के बस्ती से गिरफ्तार, कई एटीएम कार्ड और लैपटॉप बरामद, 17 खातों में जमा 50 लाख। यूपी के बागपत में नशे में धुत दो पुलिसकर्मियों ने एक युवक की हत्या, वारदात छिपाने के लिए शव को नाले में फेंकने की गई कोशिश, दोनों सस्पेक्ट। 3 दिन से विशाखापट्टनम की बायो फैक्ट्री में लपटों का तांडव, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 41 गाड़ियां जुटी, अब तक 120 करोड़ का नुकसान। गर्मी बनी जानलेवा, 3 साल में 4204 लोगों की मौत, सूरत के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स। सूखे खेत, चीनी मिलों पर ताले, बच्चों को शिकार बनाता दिमागी बुखार, नेता करें सिर्फ हवा हवाई दावे, बोर्ड के सौदागरों से सावधान पूर्वांचल।